वेरीनाग में 3 दिवसीय मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा शिविर का प्रशिक्षण सोमवार को समाप्त हो गया। शिविर में कश्मीर संभाग के गांदरबल, बारामूला, शोफिया और अनंतनाग जिलों के एथलीटों ने भाग लिया। शिविर का उद्देश्य एथलीटों को नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना है, ताकि न केवल युवा बल्कि नशे से पीड़ित युवा भी स्वस्थ रह सके। इस कार्यक्रम का आयोजन निघाट बशीर इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट सुपौल बारामूला द्वारा किया गया था। इस अवसर पर पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस अकेडमी के सीनियर मास्टर सैयद इफ्तकार हुसैन, इंटरनेशनल कोच DSP द्रु, डॉक्टर ईशान गुप्ता, SHO वेरीनाग, तजामुल हुसैन, राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर की पहली महिला फुटबॉल कोच नदिया निघाट, JK महिला रणजी टीम की कप्तान रूनिया सैयद सहित अन्य अधिकारी एवं विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। ABD न्यूज के लिए संवाददाता सईद वजाहत जिलानी की है रिपोर्ट। मेरा नाम निशा नजीर है, मैं पटन बारामूला से हूँ। ये कैंप 3 दिनों से यहाँ चल रहा है। ये वेरीनाग इवेंट ऑफ मार्शल आर्ट है, ये 3 दिनों से यहाँ चल रहा है। हम यहाँ बहुत इंस्पायर हुए। जो लोग आज ड्रग्स में मुबतला, उनको चाहे कि स्पोर्ट्स के साथ ज्वाइन करें, खासतौर मार्शल आर्ट के साथ, वो अपने आप को बहुत बदल सकते हैं। हम यहाँ पर बहुत मतलब इंस्पायर हुए। हमारी मैम ने हमारे मतलब हमारा सब कुछ इंतज़ाम किया, हमें अपने जेब से कुछ नहीं निकाला है। हम एक मतलब हम यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। जो भी लोग आज ड्रग्स करते हैं, उनको चाहिए कि वो इसमें मतलब यहाँ ज्वाइन करें, फिर वो अपने आप को बहुत बदल सकते हैं।